साहब चली गए क्यों ड्यूटी लग गई उनकी।
उनके लाने लगी ड्यूटी क्यों चुनाव चला रहे हाँ वो साहब जाए चले गए वो हमारे ड्यूटी लगा गए तुम्हें मैं साहब कहते जो कछु भाई जी को काम कहते जो कछु व्यवस्था बने मतलब तो पूरी कहती तो ये किलाने हमने अब तो बड़े साहब चले गए वो मताई कछु व्यवस्था का तुमने पैसा लगा नहीं मानी फोन पे तो वो मोबाइल पे ही नहीं हम आ ये सी पचाओ का है हम आई ये सी नीचा है तो फोन में पैसा मैं तो आप तक नहीं है देख के हमारा अंगाई वो डाल वो कसूती ना दो दो हजार के पीछे आते जा कहीं हमारे घर में नहीं आते हैं क्या पता नहीं क्या एक काल अब सुबह में अपने जो नहीं सब्जी खाई जा साफ ना किया होगा अगर ना मगने ना ना मगना पैसा लेके आ जा साफ साफ के लगा चले जाओ वो मत ही हराके कच्चे ना मगना भाई बात जरा सी बात हराने का जो साबियो सुबह चाय बनाई हाँ गैस को नहीं रखो ध्यान खोल दो मैंने सिलेंडर और ठीक चुवाई पूरा घर बैगा वो आगे लगी साथ में बोलिया का जो घर में आगे लग गई मामा कहे कि बाहर आने वो बंद है बहुत पैसा मिला हाँ साहब कैसे आ रहा है साहब कहाँ साहब कहाँ में हूँ कहाँ में हाँ बोल ओ बड़े पासी मुझे ये बात तो कहीं साहब को कान बचाला मार दे तू साहब ये कान कहाँ से अबे कुछ कछु नहीं कट जाए कछु नहीं कट तुम्हारे घाय हमारे घाय हो तुम्हारे घाय में अरे हमारे घाय में कहाँ अब आई अबे आ कहाँ बड़े बाबू साहब साहब क्या तुम्हारे घाय में आ हो 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 भाई हमारे घाय में हो तुम्हारे घाय में आ जो कहाँ इतनो जब घर में भूसड़ी की आग ही लगी थी सारे बदतमीज नाले
उल्लू के पट्टे साले गांड में मार ला साले धुआं पक जा मदद क्यों साले जब घर में आग लगी थी वो साले कान में वो बात करते आओ करे गांव मारे ना करने करते कहाँ लाना कहीं साले तेरी माँ का मेरा भूसरी क्या साले करते क्या मैं साले तुम्हारी चेन खुली जा करे साले भी चल के लगी जा काहे चेन नहीं लगा पाप और लगी पार को और साहब को चूं दो है ले चौकीदार और साहब की चेन लगी हम लगा दे साहब अरे धक्का मत देना और ये आएगा पास्ता बनाई थी आओ पुलिस सामने पेट बनवा दे अरे खा खा मट्टी को तेल मंगवा के पप्पू ने घर में पुलवाम लगे काले भूज गए भूज कहां नहीं गया सी मट्टी को तेल लो जो बाहर रात में अरे भाई रात में मत काल मट्टी ने काल जा बता पानी नहीं दावा वो काले काका बात बेटे बेटे साफ बैठ के खात फाड़वा के कब भीटे भीटे साहब आई मुझे हाथ ठाण वकेलो काय जा बता ओ गांव है मैं फिर गांव है मैं फिर अरे मुझे गांव है के साके चला दी थी गद बात है अरे पूरे गांव है हाथ क्यों हम काका काका पूरे गांव है के साके चला दी थी वो जाके दी थी कसवाना कर या जनता हमसे पड़ाव ना जाने पता है मैं जो गांव है की सांके लगा रहे मैं जो घर बाड़ा और बोलियो कान में बात करते हो सारे जा बता जब घर में आग लगी मुझे पूरे गांव में हल्ला कहता हूं तो हल्ले तो कह रहा तू खबरदार हमारे तू मुन्नी आना खबरदार तूने काले पाई की कभी बाजू हां का थोड़ी बात की हम आते काहे कह दो मैं बाजू हां जैसे ही आग लगी साहब मकान में आग कैसे लगती भर 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 पूरे घर में भर लाते मचे वो हमने बाजू इतने लोग बाजू कैसे थे बाजू लोग कट थे यस काले बाजू लोग कट अदान के मुंह फड़फड़ा फेंकती कुछ क्या समय थे फेंकती भाई बाजू भर के थे बाजू यहां पे साहब हमने बहुत खतरा अपनी जान खतरा में लगाई जान में खतरा अबे साहब बाजू हां वंडन में लपेड़ो वो छत पे ले जाके दो तीन घंटे डाया साहब तब भी छत पे ले जाके भाई आग आग ही लगी थी अरे दो तीन घंटा कहां डाला बाजू मतलब हड़बड़ा ना जावे हाथ हाथ मत है हाथ दाएं से कैसे काले कैसे हट है आओ भूनी के काले दो तीन घंटा डाया भूनी के हमें साथ हो जो कोना चो ये आओ बाय बच्चों बोले